हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज एक मैं वीडियो जो आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ही प्यारे बने हुए अपार्टमेंट का ये वीडियो होने वाला है। यहाँ पे 3 बेडरूम 2 बेडरूम 4 बेडरूम यानी 2, 3, 4 बेडरूम यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं। लोकेशन बहुत ही प्यारी है। लोकेशन मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। देखिए, लोकेशन अगर मानसूर मेट्रो स्टेशन से मैं बात करूँ तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की लोकेशन या दूरी पर होने वाली है। अगर मैं बात करूँ स्वर्ण गार्डन, जो कि मानसूर में लोकेटेड है, उससे मात्र 500 मीटर अंदर की लोकेशन यहाँ पे होने वाली है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बने हुए अपार्टमेंट है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया आपको 2, 3, 4 BHK मिल जाते हैं। प्राइस भी काफ़ी खूबसूरत होने वाली है। साइज़, प्राइस, डायमेंशन सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन देखिए, चैनल पर नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोग वीडियोज़ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ उनके बारे में बताता हूँ आपको। 2 लिफ्ट आपको अपार्टमेंट मिल जाती है। टोटल 108 यूनिट यहाँ पे बनाई गई है, जिसमें 2, 3, 4 BHK अपार्टमेंट यहाँ पे होने वाले हैं। 2 लिफ्ट आपको एक सिंगल बिल्डिंग में मिल जाती है। 2 बिल्डिंग यहाँ पे बनाई गई है, तो 2 लिफ्ट आपको मिलती है। एक में 4 BHK, 3 BHK, एक में 3 BHK और 2 BHK आपको मिल जाते हैं। तो देखिए, इसका कंप्लीटली हम ट्यूर करेंगे कैसे क्या बने हुए हैं। तो आइए कैमरामैन जी, एक बार बाहर से हम लॉबी से शुरू करते हैं। आइए, से बने हुए लॉबी के अंदर आप जैसे कि देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी स्पेसियस लॉबी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। लिफ्ट का प्रोविजन मैंने आपको बताया, 2 लिफ्ट यहाँ पे दी गई। 1 लिफ्ट यहाँ पे है, 1 लिफ्ट आपको पीछे की तरफ मिलती है, जो कि पूरा एक बार पूरे लॉबी का पूरा एक बार व्यू दिखा दीजिए। पूरी कंप्लीट देखिए आप लॉबी जो है, काफ़ी बड़ी लॉबी यहाँ पे आपको दिखाई देने वाली है। एक अगर मैं बात करूँ फ्लोर पे, तो 10 यूनिट यहाँ पे रखी गई है। तो ये देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है। देखिए, अगर आप चाहते हैं इसको बुक करना, चाहते हैं इसको विजिट करना, तो नंबर मैंने आपको बिल्डर के डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, वहाँ जाके डायरेक्टली आप कॉल कर पाएंगे। अधिक जानकारी वहाँ से आप प्राप्त कर पाएंगे, बुकिंग के लिए संपर्क आप कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे एंटर करते हो तो ये आ जाता है आपका ड्राइंग एरिया का स्पेस, जो कि एल शेप में यहाँ पे सोफा लगा है। काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। देख पा रहे हैं आप कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन है। साथ साथ हम पीछे की तरफ देखते हैं, वॉलपेपर का प्यारा सा काम और ऊपर की तरफ वुडन का जो LED लाइट्स लगा के दी गई है, काफ़ी प्रीमियम लुक आपको यहाँ पे देने वाली है। यहाँ पे सीनरी लगा के इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा यहाँ पे इन्हेंस किया गया है। और पीछे की तरफ देखेंगे सोफा के, तो आपको यहाँ फ्लोर पॉट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत लुक आपको यहाँ पे दे रहा है। डाइनिंग ड्राइंग एरिया की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है TV पैनल का स्पेस, जो कि आप देख पा रहे हैं वुडन का यहाँ पे काफ़ी प्यारा TV पैनल का स्पेस यहाँ पे निकाल के आपको दिया गया है। देखिए, आर्टिफिशियल फ्लोर्स लगा के काफ़ी खूबसूरत इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। ठीक पीछे देखते हैं इसके, तो वॉल पे यहाँ पे वॉलपेपर का काम और ये आप देख पा रहे हैं वुडन का, कंप्लीट ही एल शेप में आपको प्यारा सा वुडन का वर्क किया गया है, जिसमें LED लाइट्स काफ़ी खूबसूरत आपके इस घर को बनाने वाली है। एक बार कैमरा मैन इधर की तरफ आके कम्प्लीटली एक बार ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग का जो वर्क किया गया है वो एक बार दिखाइए। काफ़ी खूबसूरत फॉल सीलिंग का वर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आप देख पा रहे हैं अंदर फॉल सीलिंग में भी आपको यहाँ पर वॉलपेपर का काम दिखाई दे रहा होगा। बीच में यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक प्यारा सा झूमर का स्पेस भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है एक हैंडवॉश के लिए प्रोविजन, जिसमें आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसे शानदार से मिरर के साथ आपको इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे इसमें आपको मिल जाता है स्विच, जो इसमें यहाँ पे ऑन ऑफ यहाँ पे आप कर पाएंगे। यहीं पे आपको मिलता है एक इंडेवर जैसी कंपनी का आपको प्यारा सा वर्क आपको करके दिया गया है, और पीछे वुडन टाइल्स आपको देखने को मिल रही होगी। इस तरफ भी आप देखते हैं तो वॉलपेपर, जैसे मैंने बताया पूरा वॉलपेपर काम किया गया। AC फिटिंग प्रॉपर आपको जहाँ जहाँ नीड है AC फिटिंग प्रॉपर आपको दी गई है। और ये वाली जो वुडन जो काम जो किया गया पूरी लाइट्स के साथ, वो भी आपको पूरा L-शेप में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक डाइनिंग ड्राइंग एरिया की तरफ देखते हैं। देखिए, डाइनिंग जो होने वाली है वो ये होने वाली है। डाइनिंग इस जगह जो स्पेस दिया गया है, इसमें आपकी डाइनिंग यहाँ पे होने वाली है। किचन इस तरफ पड़ता है तो बिल्कुल सामने डाइनिंग का स्पेस आपको निकलता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम की साइजेस देखिए, काफ़ी प्यारी साइजेस यहाँ पे निकाली गई है। आप देख पा रहे हैं कंप्लीट वेंटिलेशन का पूरा परफेक्ट यहाँ पे ध्यान रखा गया है, और टाइल्स काफ़ी हाइट तक है। हाइट पे होने का फायदा ये हो जाता है कि सीलन पपड़ी की कोई भी समस्या आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 3 बेडरूम मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ये अपार्टमेंट है। यहाँ पे 2, 3, 4 तीनों ही अवेलेबल है। चाहते हैं बुक करना, नंबर मैंने दे दिए, वहाँ जाके डायरेक्टली आप कॉल कर पाएंगे। लेकिन चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए ये आ जाता है। देखिए रूम अगर मैं साइज़ की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 14x12 के आसपास के रूम साइजेस, 10x12 की रूम की साइजेस, ये साइजेस आपको यहाँ पे मिलती है अलग अलग साइजेस। ये रूम लगभग 14x12 के आसपास का आपको मिलता है। किंग साइज़ का बेड आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फिर भी कितना स्पेसियस है। दोनों तरफ तो स्पेस निकलता ही है, इसके अलावा सामने की तरफ भी काफ़ी स्पेस है। लेकिन इससे पहले मैं इधर दिखाता हूँ आपको कुछ यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें जो की गई है। देखिए ये जो सब चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सेल प्राइस में नहीं है। अगर आप ये सब चीज़ें करवा के काम कर पूरा करवा के लेना चाहें, खरीदना चाहें, तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी। उसके लिए आपको पूछना होगा बिल्डर के नंबर को फोन करके कि क्या कॉस्ट वहाँ पर होने वाली है। पीछे की तरफ यहाँ देख पा रहे हैं प्यारा सा वुडन का काम, साथ साथ में जो छोटे छोटे शोपीस जो लगा रखे हैं बहुत ही प्यारे यहाँ पे लुक आपको देने वाले हैं। दोनों तरफ लैंप्स आपको मिल जाते हैं, और इसके जस्ट पीछे देखते हैं तो यहाँ पे भी वॉलपेपर का प्यारा सा वर्क आपको दिखाई देने वाला है। किंग साइज आपको यहाँ पे बेड लगा के दिया गया है, और पीछे तरफ देख पा रहे हैं तो यहाँ पे भी क्वेश्चन जो प्यारा सा यहाँ पे लेदर टाइप में वर्क आपको देखने को मिलेगा। इस तरफ एक बार पास में ला के दिखाइए, काफ़ी प्यारी प्यारी सी सीनरी जो देख पा रहे हैं आप, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आपको ये देने वाली है।
ठीक इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे मिलता है आपको टीवी पैनल का वुडन का प्यारा सा वर्क। इसके अंदर भी एलईडी लाइट्स आपको लगा के दी गई, जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्यारी प्यारी लाइट्स पीछे की तरफ, ये ब्लू लाइट जो कि काफ़ी अच्छा लुक इसका दे रही है। एसी फिटिंग यहाँ पे भी आपको मिल जाती है प्रॉपर। एसी फिटिंग वैसे तो हर जगह आपको मिलती है जहाँ जहाँ नीड है। इस तरफ मिलता है आपको एक बड़ा सा विंडो, क्योंकि काफ़ी बड़ा अच्छा विंडो यहाँ पे होने वाला है। वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन इस अपार्टमेंट में काफ़ी ही खूबसूरत होने वाला है। अभी हमने देखा डाइनिंग ड्राइंग देखा, एक रूम हम देख चुके हैं। अभी हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे, देखते हैं और कैसे क्या चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है। इस तरफ देखते हैं तो ये मिल जाता है आपको किचन। देखिए किचन जो है मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जिसमें चिमनी होने वाली है ठीक इसी प्रकार में जैसे अभी आप देख पा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे आरओ लगा हुआ है, उसके लिए आप बात करनी पड़ेगी, आरओ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आप बिल्डर को डायरेक्ट फोन करके, प्रतिनिधि को फोन करके आप ट्राई कर सकते हैं। कैबिनेट्स वगैरह देखिए आप कंप्लीट वुडन का पूरा यहाँ पे काम करके आपको दिया गया है। इस किचन की अगर मैं बात करूँ, खूबी की बात करूँ मैं, तो इसमें भी क्रॉस वेंटिलेशन के लिए परफेक्ट आपको यहाँ पे विंडो मिल जाता है, जिससे कि वेंटिलेशन हमेशा होने वाला है। खाना बनाते समय सफोकेशन बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। कुछ डिजाइनर चीज़ें ऊपर की तरफ यहाँ पे भी आपको किचन के वॉल पे देखने को मिलेगी, जो कि रुक के आप देख पा रहे हैं। एल शेप में किचन का यहाँ पे स्लैब रखा गया है, ग्रेनाइट का यहाँ पे टॉप है, साथ साथ में टाइल्स कवर काफ़ी हाइट तक मिलेगा आपको। इसका फायदा ये कि खाना वाना बनाते समय अगर छींटे वगैरह लगे ऑयल के तो ईजिली आप उनको रिमूव यहाँ से कर पाएंगे। काफ़ी अच्छी साइज में किचन भी यहाँ पे आपको दिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, हम जो बेडरूम दो बेडरूम और है वो भी हम देख लेते हैं कैसे क्या यहाँ पे दिए गए। ये आ जाता है लगभग 10x12 के साइज़ के आसपास का बेडरूम। इसमें भी आप देख पा रहे हैं प्यारा सा बेड का डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि किंग साइज़ का यहाँ पे बेड होने वाला है। और पीछे की तरफ यहाँ पे भी वुडन का जो काम करके इसके अंदर LED लाइट्स लगा के काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। वॉलपेपर का डिसेंट सा काम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और AC फिटिंग की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल जाती है। इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे स्लाइडिंग कवर्स आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ बना के दी गई, वुडन का यहाँ पे काम किया गया है। काफ़ी अच्छी सनमाई का मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऊपर भी यहाँ जगह है, इसका फायदा है कि कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह आप रखना चाहें वो इजीली आप यहाँ पे स्टोर कर पाएंगे। वॉशरूम की बात करें तो यहाँ पे अटैच एक वॉशरूम आपको मिल जाता है, साइज इसमें भी काफ़ी अच्छी साइज रखी गई है। वेंटिलेशन का यहाँ पे परफेक्ट ध्यान इसमें भी रखा गया है, यानी वॉशरूम साइजेज और क्रॉस वेंटिलेशन तो देखिए पूरे ही अपार्टमेंट में काफ़ी खूबसूरत है। और सामने वाली वॉल पे देखते तो यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरीके से डिज़ाइनर यहाँ पे भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये आ जाता है प्यारा सा बड़ा सा बालकनी का स्पेस। देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो अपार्टमेंट होने वाले हैं ये 3 साइड ओपन है, यानी कि ये 30 फीट रोड है, उस तरफ 30 फीट रोड है और सामने की उस तरफ अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने की तरफ 30 फीट रोड होने वाली है। दो यहाँ पे बिल्डिंग जैसे मैं बता रहा था, ये वाली बिल्डिंग और ये वाली बिल्डिंग, इसमें जो अपन खड़े हैं इसमें 2 और 3 BHK यहाँ पे होने वाले हैं और उस वाले के अंदर 3 और 4 BHK वहाँ पे होने वाले हैं। एक बार इधर से भी आके लुक दिखा दीजिए, एक बार दोनों तरफ घुमा के देखिए कुछ इस तरीके से आपको लुक यहाँ पे होने वाला है। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए लोकेशन बहुत प्यारी लोकेशन होने वाली है, जिसमें मैंने बताया स्वर्ण गार्डन मात्र 500 मीटर दूरी की लोकेशन होने वाली है। अधिक जानकारी के लिए आप फोन कर ही पाएंगे। ये आ गया इसका थर्ड बेडरूम, इसकी भी साइज लगभग 10x12 के आसपास की साइज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। देखिए प्यारा सा यहाँ पे बेड का डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। इसमें पीछे की तरफ देखते तो वॉलपेपर का प्यारा सा काम और दोनों तरफ देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी प्यारी तरीके से जो जाली वाली डिज़ाइन यहाँ पे लगा के दी गई है। और उस तरफ देखते हैं तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स काफ़ी खूबसूरत आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। इस रूम में भी आपको विंडो का प्रोविजन मिलता है इस तरफ। और कवर्स के स्पेस की बात करें तो यहाँ पे भी आपको वुडन के कवर्स आपको यहाँ पे लगा के दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। टीवी पैनल के स्पेस की बात करूँ मैं तो यहाँ पे आपको प्यारा सा एक टीवी पैनल का स्पेस यहाँ पे मिलता है। आप चाहें इसको और भी किसी और तरीके से, आपको नहीं लगवाना मान लो एक रूम में टीवी चाहिए तो आपको और किसी तरीके से इसको यहाँ पे डिज़ाइन आप यहाँ पे कर पाएंगे। एसी फिटिंग यहाँ पे भी आपको मिलती है। देखिए यहाँ जैसे अपन बाहर आते थे पैसेज का जो स्पेस है, देखिए प्यारा सा, देखिए वुडन का काम साथ साथ में जो लैंप यहाँ पे लगा के दिए गए हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा इसका यहाँ पे होने वाला है। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं इसके बारे में बात कि यहाँ पे प्राइजेज क्या होने वाली है, साइजेज यहाँ पे क्या होने वाली है। देखिए साइजेज अगर मैं बात करूँ, देखो ये 2 बेडरूम की तो मैं साइज़ की बात टू फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि 2 बेडरूम सिर्फ एक ही फ्लैट बचा हुआ है। मैं उसकी प्राइस आपको बता देता हूँ, मात्र 35 लाख रुपये उसकी प्राइस होने वाली है, जो कि एक ही फ्लैट यहाँ पे एक ही यूनिट यहाँ पे बची हुई है। 3 बेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो 45 लाख से स्टार्ट यहाँ पे प्राइस होने वाली है साइजेज के हिसाब से, और जो कॉर्नर के फ्लैट्स वगैरह के हिसाब से अलग अलग साइजेज होने वाली है। अधिक जानकारी के लिए आप फोन कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो प्राइस है 45 लाख से स्टार्ट यहाँ पे होने वाली है। बात करें 4 BHK की तो 4 BHK की साइज़ यहाँ पे लगभग 60 लाख से, जो कि 1700 स्क्वायर फीट के आसपास यहाँ बने हुए हैं, 60 लाख से प्राइस यहाँ पे होने वाली है। अगर 3 बेडरूम की साइज़ की बात मैं करता हूँ तो लगभग 1200 से 1300 स्क्वायर फीट के बीच में आपको 3 बेडरूम की साइज़ यहाँ पे मिलने वाली है। अभी हमने देखा काफ़ी प्यारे से अपार्टमेंट का हमने टूर किया, बाकी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, अधिक जानकारी वहाँ जाके आप देख सकते हैं और नंबर भी मिल जाएंगे बिल्डर के प्रतिनिधि के, वहाँ जाके आप कॉल भी कर पाएंगे। देखिए एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, 22 तारीख को यहाँ पे एक इवेंट होने वाला है, उसके लिए मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा, क्योंकि उस दिन आपको कुछ स्पेशल ऑफर्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो
तो उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं और 22 तारीख को आप विजिट जरूर कीजिएगा। फोन नंबर आपके मैंने दे दिए हैं, उन पर कॉल करके आप अधिक जानकारी या लोकेशन वहाँ पे आप मंगवा पाएंगे। एक और चीज़ जो मैंने प्राइजेज यहाँ पे बताई, एक सबसे यहाँ पे यूएसपी वाला जो पॉइंट होने वाला है, हाईलाइट पॉइंट जो होने वाला है, यहाँ पे जो मेंटेनेंस है वो वन टाइम लिया जाएगा आपका। 1,00,000 रुपये यहाँ पे मेंटेनेंस चार्ज रखा गया है जो कि वन टाइम होने वाला है, उसके बाद में कोई मेंटेनेंस चार्ज आपके यहाँ पे नहीं होने वाला है। और अंत में दोबारा कहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।